जब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने सात मोहरों में से एक को खोला, तभी उन चार प्राणियों में से एक यूहन्ना को कहा, आ। जब यूहन्ना ने दृष्टि उठाई तो देखा उसके सामने एक सफेद घोड़ा था। घोड़े का सवार धनुष लिए हुए था। उसे विजय मुकुट पहनाया गया और वह विजय पाने के लिए विजय प्राप्त करता हुआ बाहर चला गया। हम जानते हैं कि सफेद रंग शांति को दर्शाता है, धनुष विजय को दर्शाता है और मुकुट राजा को दर्शाता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि क्योंकि वह सफेद घोड़े पर सवार है इसलिए वह यीशु मसीह है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह यीशु मसीह नहीं है, लेकिन वह मसीह विरोधी है। गुप्त आगमन के बाद पूरी दुनिया शोक मनाएगी। एक बड़ी भीड़ गायब है, खबरों में आएगी। उसी समय पहला मोहर खोला जाएगा और एक आदमी आगे आकर सबको सांत्वना देगा और वह कहेगा, जिन्होंने छोड़ के चले गए उन्हें जाने दो, मैं हर किसी का ख्याल रखूंगा। और वह मनुष्य पूरे अधिकार और शक्ति के साथ शासन करेगा और वह मसीहा विरोधी है। वह विश्व अर्थव्यवस्था की शक्ति को नियंत्रित करेगा। वह खुद को परमेश्वर होने का दावा करेगा। वह परमेश्वर की निंदा करेगा। वह चाहेगा कि सारी दुनिया उसकी स्तुति और आराधना करे और वह चमत्कारी शक्ति प्रदर्शित करेगा।